नेक्स्ट इज़ चार क्वेश्चन है जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इनके आपके पेपर में आपको दिख सकते हैं शायद। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स माइनस वन एंड 3.2 इज 5। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको शायद डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। इसमें इस बार क्या करना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस नहीं पूछी गई है, डिस्टेंस दी गई है और एक्स का कोऑर्डिनेट पूछा है। ओके शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पॉइंट जो ए है वो मैंने मान लिया एक्स कोमा माइनस वन, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट है 3.2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स आर 5 यूनिट। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। कोई इश्यू नहीं है, अगर आप वाई वन माइनस वाई टू लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर स्क्वायर नेगेटिव आएगा, अगर आपका कोई वैल्यू नेगेटिव आएगी स्क्वायर होने पे वो पॉजिटिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो एक्स टू माइनस एक्स वन हो या एक्स वन माइनस एक्स टू, वो बात एक ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली, एक्स टू तो आपका ये रहा, वाई टू ये रहा, एक्स वन ये रहा और एक्स वाई वन ये रहा, और डिस्टेंस बार दी हमारी 5 यूनिट। लगा देते हैं 5 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू, एक्स टू इज 3 माइनस एक्स वन इज एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई टू योर 2 माइनस वाई वन माइनस वन का होल स्क्वायर। दिस विल बी योर 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस, ये प्लस होगा ब्रैकेट खुलती, प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 होगा यहाँ पे। देन 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आप लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ, अंदर मैं इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, इजी रहेगा क्योंकि स्टेप कट जाएगा एक और मेरे को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और मैंने आइडेंटिटी आपको लिखवाई भी है। आई होप यू लर्न ऑल दीज थिंग्स, काम नहीं चलेगा अदरवाइज पास होने वाले नहीं हो, लिख लो इसको। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर 9। दिस इसका भी स्क्वायर करना है, क्यों करना है, तो स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर, ये रूट कटेगा ना, तो इट विल योवर आपका हुआ क्या कि इसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 प्लस 9, इसका भी होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, ये रूट कटेगा, रूट कटने के बाद यहाँ से आएगा 9 9 और 9 18, 18 लिख लेता हूँ, 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स। अब इस 25 को इधर लेके आता हूँ मैं, ठीक है, इसको देखना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना ये चीज़ें कहाँ से कहाँ आ रही हैं। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो बनती है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स, 18 25 में से 18 माइनस कर दो, 5 तो ये और 2 वो 7, तो आपका बचा -7 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है अब सोल्व करनी आनी है ना, तो आपका ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आपको आए 7, ठीक है, और प्लस और माइनस करने पे आए -6। तो आपके ऐसे पास दो नंबर है, कौन कौन से, एक तो ले लो -7 इंटू 1, ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -1 मिलेगा, -7 मिलेगा,
अगर तुम इनको ऐड करोगे तो माइनस सिक्स मिलेगा। तो लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस एक्स माइनस सेवन इजिकल टू ज़ीरो। इन दोनों में से क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, यहाँ बच गया एक्स माइनस सेवन। यहाँ पे क्या कॉमन है? प्लस वन एक्स माइनस सेवन। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स माइनस सेवन कॉमन निकाल लो, ये अंदर क्या बचा? एक्स प्लस वन इजिकल टू ज़ीरो। एक बार तो रखेंगे एक्स माइनस सेवन इजिकल टू ज़ीरो, तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा? सेवन। एंड एक बार एक्स प्लस वन इजिकल टू ज़ीरो, तो एक्स इजिकल टू माइनस वन। एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, एक तो सात और एक माइनस एक। आने के चांसेस आएगा ये छपेगा क्वेश्चन। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसने इंक्लूड कर दी। ठीक है, फिर तुम अभी प्रैक्टिस करोगे। मैंने काफ़ी लंबा खींचा क्योंकि यहाँ पे समझाना भी था, तो मैं यहीं पे भी कर सकता था बट मैं नहीं किया। नेक्स्ट है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। ये पक्का इस बार भी आया था इस तरह का एक क्वेश्चन। ठीक है, इस बार आने के चांसेस हैं। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड बी। इक्विडिस्टेंस का कंसेप्ट समझो। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये है कि एक पॉइंट है, हमने P मान लिया वो, और उस P की जो A से डिस्टेंस है वो हमने D मान ली, और जो P से B की डिस्टेंस है वो भी D ही है। इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि वो दोनों की डिस्टेंस क्या है? सेम है। जैसे मैं बात करता हूँ, ये P है, तो P से जो A है और जो B है वो इक्वल है। मतलब इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, इसका मतलब ये है। कोई बीच में होगा पॉइंट, ये हम नहीं कह सकते बीच में ही होगा, क्या पता वो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे पूछा है उसने, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का पूछा है, तो इट मींस वाई एक्सिस पे तो चलना नहीं है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट, द पॉइंट लिख लो, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी एक्स कोमा ज़ीरो। ये पॉइंट का समझ में आया ना? एक्स पी तो पूछा है ना, वाई तो हम ज़ीरो चले ही नहीं है, ज़ीरो है, तो पी पॉइंट तो तुम्हारा ये हो गया। विच इज़ पूरा लिखेंगे, विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ए और बी से इक्विडिस्टेंस, इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। पी क्या है आपका? पी है आपका एक्स कोमा ज़ीरो। ए क्या है? ए है आपका टू कोमा माइनस फाइव, टू कोमा माइनस फाइव। एंड बी इज योर माइनस टू कोमा नाइन। लगा दो, पहले तो पी ए निकाल लो। पी ए, पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन। लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब इसमें एक्स टू चाहिए लो लो, कोई इशू नहीं है, मैं तो ये ले रहा हूँ। ये एक्स टू है, ये एक्स वन है, मतलब टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस फाइव और माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पी बी क्या आ जाएगा? पी बी भी देख लो कहीं, इसको वहीं पे रखो, अंडर रूट ऑफ माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस नाइन माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल है, तो इट मींस रूट, इसको ओपन कर लो, आइडेंटिटी लगाओ, फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू टू या फोर, टू टू या फोर एक्स, ये प्लस यहाँ से 25 बनेगा क्योंकि माइनस फाइव है, इट विल योर 25। ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी ध्यान से लगाना, गलती कर देते हैं कई बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब माइनस आएगा या प्लस आएगा, बात सुनो,
यहाँ पे आता है माइनस, अगर ये माइनस होता है और इसके पास एक और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 2 × x प्लस 9 का स्क्वायर इक्यासी। ये रूट कैंसिल बाय रूट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4 और 25 और 4 = 29। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर 2 × 4 प्लस 4x, 81 और 4 कितने होते हैं, प्लस 85। एक्स स्क्वायर कैंसिल बाय एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, ये माइनस 4x माइनस 4x इज इक्वल टू 85 - 29, ये 29 उधर भेज दिया, तो इट विल बी ओवर माइनस 8x इज इक्वल टू 85 में से 29 घटा दो, तो मेरे ख्याल से कितने बचेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पे बचेंगे 6 तो इसमें से बचे और 7 में से 5 गए, 56 बचेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू 56 / -8 8 × 7 = 56, तो -7, x विल बी ओवर -7। कितना है x, -7। अब ये नहीं बताऊंगा मैं कैसे कटा, 8 × 7 = 56 नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें, कसम है तुम्हें, ठीक है, खुद करोगे तुम। वैसे मैं बताऊं कम बच्चों की बैक है, क्यों पूछो, अरे वीडियोस पे लाइक वो नहीं आ रहे, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, 18 व्यूज़ थे पता नहीं 3-4, इसका मतलब तो यही है ना कि है नहीं बच्चों की बैक, और नहीं है तो बहुत खुशी की बात है। और एक दिन देखना ये व्यूज़ ना मेरी वीडियो पे, व्यूज़ पता क्या आ रहे हैं, 3-4, ठीक है, 5, हद की हद 18 आए हैं अभी, उनमें से एक मेरा भी होता है, ठीक है, दूसरी आईडी से। तुम एक दिन देखना कि इस पर कितने व्यूज़ आने हैं, शर्त लगा रहा हूँ इस बात की मैं, ठीक है। शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द कोलिनियर पॉइंट्स। पहले तो बात सुन लो, कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स उसको बोलते हैं, को इसी के अंदर इसका मतलब छुपा हुआ है, कोलिनियर, को का मतलब एक, लीनियर मतलब लाइन, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो, ऐसे पॉइंट एक ही लाइन में तभी होंगे ना, जब वो अगर इस वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ए यहाँ पे होगा, बी कहीं यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे होगा। अगर ये सी पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, हमने मान लिया कि सी पॉइंट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, ठीक है, तो एक लाइन में है क्या ये, या फिर इधर उधर हो गया, फिर एक लाइन में नहीं रहेंगे, या फिर ये वाला सी पॉइंट इधर आ गया, यहाँ पे आ गया सी, तो फिर कोलिनियर नहीं रहेंगे, ठीक है। कुछ भी कहो तो कोलिनियर का मतलब है, अगर एक लाइन के अंदर है प्रॉपर्टी, अगर मैथमेटिकली मैं बताऊँ, इफ़ ए बी प्लस बी सी, अगर ए बी प्लस बी सी को ऐड करने पे ए सी आ रहा है, इसको और इसको ऐड करने पे पूरा ये आ रहा हो, तो मैं कह सकता हूँ दीज आर कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ गया, दीज आर कोलिनियर पॉइंट। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ए 1, -1, बी कोऑर्डिनेट है 5, 2, सी कोऑर्डिनेट है 9, 5, ठीक है। ए बी इज योर, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 5 - 1 का होल स्क्वायर 2 - -1 का होल स्क्वायर, ज़्यादा लंबा स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, ये आपका होगा अंडर रूट ऑफ यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 - 1, माइनस वाला हो जाए प्लस बना देगा, 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 25, ये हो गया। ए बी की वैल्यू कितनी आई, रूट 25 को क्या लिख सकते हो, 5। भाई सही बताऊँ, छोटे छोटे बच्चे ना, छोटे छोटे नहीं वो, बड़े बड़े जो 9th 10th में रूट नहीं सोल्व होते उनसे, और ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ के पढ़ाए हुए बच्चे हैं, भाई बाहर से आए हुए जो बच्चे ना, मतलब जो अलग अलग जगह पढ़ते हैं, उनका भी हाल यही है। 10th क्लास में आ गया, मैं बोला प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको सोल्व कर लो, या फिर लॉन्ग डिविज़न मेथड से, बोलते जी वो क्या होता है,
ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, हकीकत है ये। बी सी रूट ऑफ, अब बी सी 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, 9 में से 5 गए 4 का स्क्वायर 16, 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर 9, रूट 25, ये भी 5, ठीक है, ये भी क्या हो गया 5। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक खास बात बताऊं तुम्हें, ये कभी भी ये डिस्टेंस नहीं होती इसमें, डिस्टेंस तो आप डिस्टेंस तो आप ना सिर्फ उसको बोलते हैं जो पॉजिटिव वैल्यू दे, ये ना बेसिकली क्या होता है, ये डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं, डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइड में रखेंगे और नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइड में, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। आपने सुना है कि जैसे आपका गांव यहाँ पे है और एक इससे अगला गांव है और इससे एक पिछला गांव है, सेम डिस्टेंस पे है, तो क्या ये बोलोगे कि पिछले वाला जो गांव है वो -1 किलोमीटर दूरी पे? नहीं, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना ये आपके डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, और यही यूज़ होता है वहाँ पे लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। एसी, अब एसी निकाल लो, एसी ए और सी में ये ले लो, अब 9 और 1, 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, इट विल बी ओवर 9 8 64 का, 9 में से 1 गया 8 का स्क्वायर 48 64 प्लस ये कितना हुआ 5 माइनस 1 36, इट विल बी ओवर 36, तो 64 और 36 तो 100 होते हैं, 100 का मतलब क्या आ गया 10 10 यूनिट। अब करके देख लो, इसकी वैल्यू 5 आई, कहाँ गया वो ए बी, यहाँ रख के देख लो, ए बी 5 है प्लस बी सी कितना है, वो भी 5 है, क्या वो 10 के इक्वल है, हाथ पे गिनने हैं ये वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू 5 और 5 हाथ पे गिननी है तुम्हें कसम है, ठीक है। नेक्स्ट वन, 4 हो गए, पास होने का जुगाड़ कर रहे हैं हम, किसी को ये लगता है ना कि इनमें से नहीं आएगा क्वेश्चन, तो नहीं आएगा तो भाई नहीं आएगा, क्या दिक्कत है, नहीं आ सकता। इफ नेक्स्ट वन है, इफ ए पॉइंट है 5.2, बी पॉइंट है 2.-2 एंड द सी पॉइंट है -2.t आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट बी पॉइंट, इस तरह का आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, कोऑर्डिनेट का नाम लिख दो, 5.2 है ये बेवकूफ, 5.2, 2.-2 -t, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू फाइंड, पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, अभी जब पिछले वाली वीडियो में बताया था पूरा प्रोसेस, एक बार और बता देता हूँ कि एसी का स्क्वायर हाइपो, इधर इधर देखना, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, ट्रिग्नोमेट्री में चेंज होगा ये अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के सामने क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है तुम्हारी, हमारी तुम्हारी हम सब की यही होती है, ठीक है। निकाल लो डिस्टेंस बिटवीन, अगर उसने ये चीज़ प्रूव कर दी ना हमने कि ये भैया ये चीज़ सही है, तो हम कह देंगे कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है, और ये तो दिया ही वाई है, उसने दिया वाई है कि राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, एक ये जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ना ये निकालना है, निकाल देंगे। ए सी डिस्टेंस बिटवीन ए सी रूट ऑफ, ए सी का डिस्टेंस निकाल लूँ, इसको 2 मानूंगा, उसको
एक्स वन माइनस टू माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस टी माइनस टू का होल स्क्वायर, इट विल योर ये माइनस सात उनचास प्लस टी स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर टी माइनस फोर टी। ओके, उसके बाद उनचास और चार तिरपन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तिरपन टी स्क्वायर माइनस फोर टी और प्लस तिरपन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। एसी तो आ गया हमारा ये। अब बीसी, रूट ऑफ ये वाला एक्स टू ही ले रहा हूं मैं, ये वाला एक्स टू और ये वाला एक्स वन माइनस टू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टी माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर। जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ी ना, वो वीडियो को ना देखें, वो सिर्फ अभी अपना एबीसीडी याद करें फर्स्ट चैप्टर तक, अभी इस पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, ठीक है। ये देख लो कितना हो जाएगा तुम्हारा, चार का स्क्वायर सोलह प्लस ये हो जाएगा टी प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और आज गर्मी बहुत है, ऊपर से हेलमेट, तो बी सी सोलह प्लस टी स्क्वायर प्लस चार प्लस चार टी, बी सी ये आ गई। अब बी सी आ गई, ए बी निकाल लो, ए बी इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, और सोल्व करते जाओ, सोलह और चार बीस, टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस बीस, ए बी ए और बी दो माइनस पाँच का स्क्वायर प्लस दो माइनस माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये तीन नौ प्लस चार सोलह, ये तुम्हारा हो गया रूट पच्चीस, इसका मतलब पाँच, पाँच ओवर पाँच, ए बी की वैल्यू पाँच है। रख दो, अब देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। ए सी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ए सी तो ये है ना, रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फिफ्टी थ्री, क्या वो इक्वल है बी सी स्क्वायर, बी सी का है ये रहा, रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस ट्वेंटी, और प्लस ए बी पाँच आया था, पाँच का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर हम ही करेंगे, तो ये तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फिफ्टी थ्री इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस ट्वेंटी फाइव, सॉरी फाइव क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्वेंटी प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, नीचे कट तो नहीं रहा ना, टी स्क्वायर टी स्क्वायर, आप देख लो तुम काटना पीटना शुरू करो उसको, छोड़ दो, टी स्क्वायर कैंसिल बाय टी स्क्वायर, इस फोर टी को उठा के इधर ले आओ, माइनस के फोर टी माइनस के फोर टी, ये तो जो इधर भी ऐसा ही हुआ था कुछ,
जितना इधर भी ऐसा ही हुआ था, हमें लग रहा ऊपर भी ऐसा ही हुआ था। इज इक्वल टू 20 और 25 कितने होते हैं, 45। तो 45 माइनस 53, ये इधर आया मेरे भाई, 53 उधर आ गया। तो यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर देखना, यहाँ माइनस 8t इज इक्वल टू 45, 53 में से 45 गए, 8 बचेंगे वो भी माइनस के। t इज इक्वल टू माइनस कैंसिल बाय माइनस और इट विल बी ओवर 8/8, 1। t की वैल्यू 1 आ रही है क्या, t की वैल्यू इज ओवर 1। यहाँ कितनी आई थी, -7, सही किया क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनको प्रैक्टिस करना, दो वीडियोस होगी अभी और आएंगी, कंटिन्यू।